तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। श्रीकरणपुर विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जी हां, कांग्रेस ने रुपेंद्र सिंह कुनर, जिन्हें रूदी कहा जाता है, उन्हीं को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुनर के निधन के बाद चुनाव स्थगित हुआ था। गुरमीत सिंह कुनर के बेटे रुपेंद्र सिंह कुनर को कांग्रेस ने टिकट दिया है, क्योंकि उन्हीं का नाम सामने आ रहा था और ये लगभग नाम जो है वो क्लियर था, स्पष्ट था। हालांकि नामांकन अब वो दाखिल करेंगे, क्योंकि 19 तारीख नामांकन के लिए आखिरी तारीख है और फिर नामांकन पत्रों की जांच होगी। तमाम सारी चीजों से इतर श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को मतदान होंगे और इस मतदान के बाद में 3 दिन के पश्चात यानी कि 8 तारीख को फिर नतीजे सभी के सामने आ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। गुरमीत सिंह कुनर के बेटे रुपिंदर कुनर कांग्रेस के प्रत्याशी। श्रीकरणपुर उपचुनाव का घमासान अब नजर आने वाला है, क्योंकि आपको ज्ञात होगा गुरमीत सिंह कुनर ने भी इस चीज का जिक्र किया था जब टिकट उन्हें दिया गया था। उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि टिकट उनके बेटे रुपिंदर सिंह को दिया जाए, लेकिन तमाम सारी चीजों के भीतर क्योंकि उस समय अचानक से उनकी तबीयत फिर बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने के पश्चात ठीक जो 25 नवंबर को वोट होने वाले थे उससे 10 दिन पहले गुरमीत सिंह कुनर की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई, उनका निधन हो गया। और उसके बाद में विधानसभा चुनावों के इस पूरे दौर में 199 सीटों पर ही चुनाव हुए। श्रीकरणपुर विधानसभा चुनावों के समय का इंतजार किया जा रहा था, 5 तारीख उसके लिए तय की गई। उसके बाद में 3 दिन के पश्चात नतीजे, लेकिन कांग्रेस ने रुपिंदर सिंह कुनर, जिन्हें रूबी वहां पर पुकारा जाता है, उनके नाम पर मुहर लगा दी है और साथ ही अब नामांकन भी वो पेश करेंगे, क्योंकि नामांकन से जुड़ी हुई तस्वीरें भी कल आपको दिखाई थी। कल रिटर्निंग ऑफिसर जो थे वो नामांकन पत्रों का, नामांकन भरने वाले कोई पहुंचे इस चीज का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कल कोई पहुंचा नहीं। इस बीच कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे रुपिंदर सिंह कुनर, दिवंगत गुरमीत सिंह कुनर के बेटे हैं। गुरमीत सिंह कुनर ने 15 नवंबर को चुनाव मतदान से 10 दिन पहले अंतिम सांस ली थी, 10 दिन पहले उनका निधन हो गया था। तो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। राजस्थान के 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुके थे। श्रीकरणपुर के लिए चुनावों को रोका गया था, क्योंकि श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के गुरमीत सिंह कुनर और उस समय विधायक थे, उनकी तबीयत खराब होने के पश्चात मतगणना के मतदान से 10 दिन पहले 15 नवंबर को उनका निधन हुआ था। ऐसे में कांग्रेस ने उनके बेटे रुपिंदर सिंह कुनर पर विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट दिया है। उपचुनावों का घमासान अब आपको श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर नजर आएगा, क्योंकि गुरमीत सिंह कुनर के बेटे हैं रुपिंदर सिंह कुनर, लगातार वो भी कार्यों में एक्टिव रहे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा विश्लेषण के लिए न्यूज रूम का रुख करते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा लाइव जुट गए। नरेश जी, 199 सीटों पर चुनाव हो गए थे, लेकिन अब सभी की निगाहें श्रीकरणपुर विधानसभा के उपचुनावों पर, क्योंकि इसमें प्रत्याशी के नाम का इंतजार था, लेकिन जिस तरह से रुपिंदर सिंह कुनर का नाम लगातार सामने आ रहा था, मोहर लग गई है कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर। मोहर जो है वो फर्स्ट इंडिया ने एक सप्ताह पहले ही लगा दी थी, एक सप्ताह पहले ही हमने ये नाम घोषित कर दिया था। जब अशोक गहलोत से मिलने आए थे रूबी, इनको वहाँ रूबी के नाम से जाना जाता है, तब अशोक गहलोत ने इनको हरी झंडी दे दी थी कि आप जाइए, तैयारी करिए और नाम औपचारिक रूप से घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि वहाँ पे जो चुनाव की जो बाकी प्रक्रिया थी उसमें नामांकन दाखिल हो चुके थे, सिर्फ चूँकि कांग्रेस के प्रत्याशी का निधन हुआ था, ऐसे में सिर्फ कांग्रेस को ही अपने प्रत्याशी का नया नाम देने का वहाँ पे एक अनुमति थी। अन्य कोई दल है वो अपना नाम नहीं बदल सकते, जो उनके उम्मीदवार पहले से तय है वही वहाँ पे खड़े रहेंगे। तो ऐसे में चूंकि ये जो सीट है पहले भी कांग्रेस के पास थी, इससे पहले भाजपा के पास थी, और लगातार जो श्रीकरणपुर सीट है इस पर भाजपा कांग्रेस ये हमेशा इनका कभी न कभी कब्जा रहा है। सुरेंद्रपाल सिंह टीटी भाजपा के यहाँ पर पहले विधायक थे, फिर मंत्री बने, उसके बाद पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2018, तब गुरमीत सिंह कुनर यहाँ से विधायक बने थे, लेकिन चुनाव के दौरान, इस बार चुनाव के दौरान उनका निधन हो गया था, तो इस कारण से जो है वो चुनाव टला था। अब देखिए, इस सीट पे नज़रें इसलिए टिकी है क्योंकि अब प्रदेश में सरकार बन गई है भाजपा की जी, और भाजपा की सरकार बन गई तो इस सीट को किस तरह से भाजपा की कोशिश रहेगी कि जो आंकड़ा है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं
कि जब सत्ता परिवर्तन होता है और उसके ठीक बाद अगर कोई चुनाव होता है, हमें पिछली बार का चुनाव भी ध्यान है 2018 में, तब भी पहले 199 सीटों पर चुनाव हुए थे और उसके बाद रामगढ़ का जो चुनाव है वो बाद में हुआ था। तो चूंकि कांग्रेस की सरकार बनी थी तो वहाँ का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस के, तो इस बार चूंकि भाजपा की सरकार बन गई है तो क्या अब करणपुर है उसके जनता का मिजाज क्या रहेगा? दो बातें हैं, क्या वहाँ की जनता जो है वो अब सरकार के साथ जाएगी या फिर कांग्रेस जो है जो सिंपैथी के जो वोट लेने की कोशिश में है क्या सिंपैथी के साथ जाएगी कि वहाँ के चूंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनका निधन हो गया, अब उनके बेटे को प्रत्याशी बनाया गया है, तो क्या एक इमोशनल जो कार्ड जो खेला है उसके पक्ष में जनता मतदान करेगी या फिर जो भाजपा की सरकार बनी है उस भाजपा की सरकार के साथ जनता है वो मतदान करती है। तो भाजपा जो है वो अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकेंगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने उनका जो चुनाव का तरीका देखा है कि जब इस तरह का कम से कम जब एक सीट के लिए चुनाव होता है तो जो संगठन है वो पूरी तरह से सक्रिय होता है। और चूंकि एक सीट का जो चुनाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है, एक एक वोट की कीमत होती है। तो जहां कांग्रेस ये चाहेगी कि उनका जो आंकड़ा है वो 70 तक पहुँच जाए, वहीं भाजपा की कोशिश ये रहेगी कि उनकी संख्या है वो एक और बढ़ जाए और ये जो वहाँ पे एक परिवर्तन होके ये मैसेज दिया जाए कि जनता जो है वो ये चाहती है कि अगर सरकार के साथ वोट देती है तो वहाँ विकास कार्य अधिक होते, इस तरह का प्रचार प्रसार भी हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए अमूमन ये होता है कि जब इस तरह जब सत्ता परिवर्तन के बाद तुरंत चुनाव होते हैं तो जनता ये सोचती है कि हम जो अपना उम्मीदवार जो है जिसको वोट करें तो कम से कम अगर भाजपा का उम्मीदवार जीतेगा तो इस तरह का प्रचार भाजपा की तरफ से होगा कि उनके काम होंगे, विकास होगा। और चूंकि अब कांग्रेस का जीतता है तो ये तो तय है कि विपक्ष में बैठेगा, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि जो पिछले सरकार के जो कार्य काम हुए हैं, कुन्नर ने जो काम किए थे उसके आधार पे और साथ में एक जो इमोशनल जो टच कह सकते हैं क्योंकि अब उनके बेटे को टिकट दिया गया है तो उस आधार पे वोट लिया जा सके। तो काफ़ी कह सकते हैं रोचक चुनाव होगा, दोनों ही पार्टियां जो है वो अपनी पूरी ताकत यहाँ पे झोंकेगी और हम देख पाएंगे कि हर एक बूथ के लिए एक कह सकते हैं कि निचले स्तर तक मैनेजमेंट यहाँ पे चुनाव में देखने को मिलेगा। बिल्कुल नरेश।